गाइस, मैं हिमा एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज के वीडियो में हम करने वाले हैं सिंक अनबॉक्सिंग। तो वीडियो स्टार्ट हो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो कहीं से भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये मेरा खुद का बाय किया हुआ सिंक है, क्योंकि मेरे घर का भी चल रहा है काम। एक्चुअली घर का काम नहीं चल रहा है, कुछ मॉडिफाई कराना है। तो जो किचन है, किचन में पुराना टाइप का ही जो सिंक होते हैं, जो बिल्डर ला के देते हैं कुछ इस टाइप के, तो वही लगा हुआ है। तो मुझे कुछ नया चाहिए था अपनी किचन में, इसलिए मैंने ये तरह के जो सिंक होते हैं ना, काफ़ी स्टाइलिश लगते हैं और आपकी किचन को ना एक नया लुक दे देते हैं। तो मैंने सोचा चलो मैं भी ट्राई करती हूँ मेरी किचन को एक नया लुक देने के लिए। तो हाँ, अगर अभी तो मैं नहीं बता पाऊंगी कि लगने के बाद वो कैसा लगेगा, क्योंकि अभी वो आया है मेरे पास, आज ही मुझे रिसीव हुआ है। सो मैं अभी लगने के बाद मैं आपके लिए ज़रूर वो वीडियो लेके आऊँगी। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग। सो गाइस, ये इस तरह से मुझे बड़े से बॉक्स में रिसीव हुआ है सिंक। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। सो गाइस, मैंने प्राइम मेंबरशिप लेके रखी हुई है, उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद और भी अदर डिस्काउंट के बाद ये मुझे 11 से 12 हज़ार रुपये में रिसीव हुआ है। और अमेजोन की पैकेजिंग की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा है। एंड आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मैंने ब्रांड का नाम, कलर, साइज, मटेरियल सब कुछ यहाँ पर मेंशन किया है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इस तरह के जो सिंक होते हैं, हम उन्हें वाटरफॉल सिंक बोलते हैं। अगर आप ये भी टाइप करके सर्च करोगे तो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। तो चलिए जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या रिसीव हुआ है। इसके अलावा गाइस, ये 7 ईयर्स की वारंटी के साथ आता है, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं। तो चलिए, काफ़ी सारा सामान यहाँ पर दिख रहा है एंड मैं आपको बताती चाहूँगी कि कौन सी चीज़ की। वैसे मैं बताऊँ ना तो मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, तो ज़्यादा मुझे समझ में आएगा नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं, इसमें आप अपने सॉप भर सकते हैं। सॉप का जो है वो अलग से आपको कोई बॉटल रखने की ज़रूरत नहीं, ये आपके सिंक में ही नीचे की तरफ फिट हो जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं नल टाइप का, इधर से आप पुश करेंगे तो यहाँ से आपका डिटर्जेंट लिक्विड सॉप वो निकल जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, तो आपको बहुत मेसी लुक नहीं दिखाई देगा। एंड ये वाला जो नल है, ये आर ओ का नल है, तो आर ओ का पॉइंट भी आपके सिंक के अंदर से ही जाएगा। तो अलग से आर ओ का कनेक्शन के जो वायर आपके ऊपर से दिखते हैं ना, वो यहाँ पे दिखने वाले नहीं हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वो है जिसमें आप कप रखेंगे, और आपका कप या ग्लास है ये बहुत आसानी से यहाँ से वॉश हो जाएगा। और ये जो सिंक की मेन प्लेट है, जहाँ पे ड्रेन होता है पानी, वहाँ रखने के लिए। और उसके बाद ये आपको मिलता है वेजिटेबल, मतलब क्या बोलते हैं इसको, बोर्ड बोलते हैं, कटिंग बोर्ड बोलते हैं। जबकि मुझे नहीं लगता इसकी ज़रूरत ही ज़बरदस्ती अननेसेसरी से यूज़ किया गया है, शायद प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाने के लिए। और यहाँ पे आपको दो बकेट मिलती हैं, वो भी मैं आपको आगे बताऊँगी। एंड ये आपके जो सिंक के नीचे लगे रहते हैं ना पाइप, ये वो है जिसमें ये अच्छी बात है, जब भी कोई कचरा अगर फंस जाएगा तो आप नीचे से इसे निकाल लेंगे। और इसके साथ ये रिसीव हुआ है साइड में, जो वाटर लेवल है अगर ज़्यादा हो जाता है तो वो भी पता चल जाएगा। एंड इसके साथ दो पाइप रिसीव हुए हैं, तो एक छोटा सा है और एक बड़ा है, तो ये जहाँ भी लगेंगे वहाँ लग जाएंगे इसी के साथ। एंड गाइस, प्रोफेशनली इन सब चीज़ों को क्या बोलते हैं मुझे आइडिया नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। सो मैं अपनी लैंग्वेज में आपको बताऊंगी। एंड गाइस, सारा खेल जो है वो इसी का है। तो यही है आज का हीरो हमारे सिंक का। तो ये है हमारा वाटरफॉल सिंक, या जो हम इसे बोलते हैं मेन पानी का। इसमें आपको इस तरह से दो ये मिल जाते हैं, और उसके बाद ये जो नल है ना इसका, ये निकल जाता है और आपके पूरे सिंक पे 360 डिग्री जो बोलते हैं उसमें ये पूरा घूम जाता है। तो आप देख रहे हैं ना, लंबा हो जाता है। और इसमें जो ब्लैक कलर का रखा हुआ है ना, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो हाथ में दिया गया, यही होता है जो कि ग्रेविटी को कंट्रोल करता है इस नल की। एंड इसके जो साइड में है ना, एक तरह से वाटरफॉल टाइप का निकलता है, जो आप इसके नीचे की साइड में जो रेक्टेंगल देख रहे हैं, ये देखिए साइड में, तो यहाँ से आपका जैसे पानी का वो झरना टाइप का होता है, उस टाइप से निकलता है। और ये दोनों जो सिंक है, सिंक छोटा सिंक जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये इस तरीके से यहाँ पे लग जाएंगे, तो आप अपने फ्रूट्स वगैरह धो सकते हैं, वेजिटेबल्स धो सकते हैं। एंड ये रहा आर ओ का नल, कि आप डायरेक्ट अपने सिंक से ही आर ओ का पानी ले सकते हैं, अदर कनेक्शन आपको आर ओ का करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है।
एंड गाइज क्या क्या चीज़ इसके साथ आ रही है वो मैं आपकी स्क्रीन पे दे रही हूँ, तो आप उसको देख के समझ जाइएगा। एंड गाइज इसके अलावा एक चीज़ हो कि अलग अलग साइज़ में भी मिल जाता है, तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट और ज़्यादा बड़ी है तो आप इसे ज़्यादा बड़ा ले सकते हैं। ये मेरा जो है वो नॉर्मल साइज़ का मेरी किचन में फिट हो जाएगा, आप अपनी किचन के हिसाब से ले सकते हैं। इतना बड़ा बॉक्स है, इसके अंदर सारा सामान है और अलग से मुझे नहीं लगता इसमें से कुछ हमें बाय करना पड़ेगा बाहर से, क्योंकि सारा सामान इसी के अंदर है। अगर नहीं आया हो तो उसका अपडेट भी मैं दे दूंगी अगले वीडियो में कि आपको क्या बाय करना पड़ेगा, क्योंकि जब प्लम्बर देखेगा तो वही बता पाएगा कि इसके अंदर क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं है या ये परफेक्ट है। सो अगर आपको भी इस तरह का सिंक चाहिए है, वैसे तो अमेज़न में बहुत सारे ब्रांड है जो इस तरह के सिंक है। हाँ, ऑफलाइन थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ इस तरह के सिंक नहीं मिलते हैं, कुछ अलग टाइप के मिलते हैं, प्रॉपर इस तरह का नहीं मिलता। हो सकता है मिलता भी हो तो मैंने कोई दुकान छोड़ दी हो। सो अगर आपको चाहिए है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रही हूँ, तो वहाँ से आप देख लेना। एंड गाइस अभी जो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मेरा किचन जो है वो बन रहा है, तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें किचन से रिलेटेड खरीदने वाली हूँ। सो अगर आप वो वीडियो भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हाँ, और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और जिनको इस तरह की वीडियो की ज़रूरत है तो उनके साथ शेयर भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।